नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो पर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। यानी इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, और उनमें तीन पार्ट में हमने वहाँ पर अच्छे से सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, अच्छे अच्छे ट्रिक के बारे में बात किए हैं और बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वहाँ पर करवा रखे हैं। ठीक है, तो अगर 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ठीक ना, तो जाके उसको देख लीजिए। आज यहाँ पर हम बहुत ही मस्त मस्त सवाल करने वाले हैं पार्ट 4 में अपने। ठीक ना, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल एकदम धड़ाधड़ उड़ाते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना, आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये दिया है। कुछ इसी तरीके के हम इस वीडियो में प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रश्न और इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आपको तुरंत ये 5 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाना है। ठीक ना, तो देखिए क्या बोला है प्रश्न में। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 है तो sec थीटा का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए, चलिए ये जो सवाल है ये हमारे एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें हम एक आइडेंटिटी के बारे में बात किए थे, और वो आइडेंटिटी था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे और इसी पर आधारित हमने प्रश्न भी करवा दिए थे। ठीक ना, आज के वीडियो में जो दूसरा हमारा आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। इसी पर आधारित जो हमारी ये प्रश्न है ना, इसी पर आधारित हैं और इसी को हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हम 2 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर बराबर में कितना बचा, एक ही बचेगा, तो ये हमारा एक हो गया। यानी अब यहाँ पर कैसा फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपने पास, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। यही तो होता है, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस, एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, तो sec थीटा प्लस tan थीटा और इंटू ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पर, एक के बराबर है। देख पा रहे होंगे एक के बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, देखिए अगर इस पूरे वैल्यू को अगर हम यहाँ पर m मान लें, है ना, इसको इस पूरे वैल्यू को अगर m मानते हैं तो ये वाला आप बता सकते हैं कितना होगा, बताइए ज़रा। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको इधर ही छोड़ेंगे और इस m को इधर ले जाएंगे तो 1/m हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गुणा में है। इसको अगर हम m मान ले रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसका मान क्या हो गया, 1/m हो गया, 1/m हो गया। तो देखिए सवाल में ऐसे बनता है, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, हम यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं, यहाँ पर दे देगा आपको कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 है, है ना। तो आपसे पूछ देगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आप बता सकते हैं, माइनस लग गया इसका मतलब 1/5 हो जाएगा। देखिए जब इसका वैल्यू m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/m हो जाएगी, तो 1/5 हमने इसको कर दिया। बस यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा बनता है, ठीक ना, और इसी से
यहाँ पर सवाल भी बनने वाले हैं। तो याद रखिएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर m लेते हैं तो sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1/m हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना ही चाहिए, तभी ये सवाल बन पाएंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हम सवालों पर आते हैं। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब यहाँ पर पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है हमको, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमको 2 दे रखी है और sec थीटा की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। यहाँ पर sec थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू, है ना, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, अभी अभी बताए हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/m हो जाती है, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, बताइए a प्लस बी बराबर, यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 है और a माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो हम a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा, या तो विलोपन लगा के निकाल दीजिए या फिर जब a प्लस बी इक्वल टू कुछ दिया हो और a माइनस बी इक्वल टू कुछ दिया हो, तो a का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 4 प्लस 2 6, 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3, और b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा कर आधा कर देते हैं, है ना, तो 4 माइनस 2 यानी 2/2 हो जाएगा और 2/2 की वैल्यू 1 होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी लगेगा। देखिए a प्लस बी इक्वल टू इतना दिया है, a माइनस बी इक्वल टू इतना दिया है, तो अगर हम यहाँ से sec थीटा यानी पहले वाले की वैल्यू निकालना चाहें, sec थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर, 2 और 1/2 को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 2 और 1/2 को जोड़िए तो 2 प्लस 1/2 और इसका आधा करेंगे, इसके आधे का मतलब क्या है कि 1/2 से गुणा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 एक 5, तो ये हो गया 5/2 और गुणा में 1/2 है, तो ये आ जाएगा 5 एक 5 और 2 दूना 4, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5/4, ठीक है। अब यहीं पर इसी में अगर आपसे पूछता कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपसे क्या पूछेगा tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, करना यही चीज़ है, इतना तक तो यही करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे sec थीटा की जगह पर हमको किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिए यानी 2 माइनस 1/2 और इसका आधा कर देंगे, आधे का मतलब है 1/2 से गुणा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 दूना 4 4 माइनस 1 3, 3/2 और गुड़े 1/2, कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। तो अगर आपसे tan थीटा की वैल्यू यहीं पर पूछता तो कितना आता वैल्यू, 3/4 आ जाता। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर अगला भी सवाल है हमारा, चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 3 है तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3 दे दिया, तो आप बताइए कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बता पाएंगे कि इसका वैल्यू अगर m होता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/m हो जाता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। अब आपसे sec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए एक इक्वेशन ये है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 3 और a माइनस बी इक्वल टू 1/3 दिया है, तो यहाँ से जब हम sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 और 1/3 को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 3 प्लस 1/3 और इसको आधा करेंगे, आधे का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 दिखाई 9 और 1 10, है ना, तो 10/3 ये हो गया और गुड़े में 1/2 ये हो गया, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 एक कम 5 बटा
3 आ जाएगा, 5/3 आपका ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, sec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है इसलिए, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर। तो ऐसे सवाल बनते हैं आपके और बहुत ही कम समय में आप इनको बना पाते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है, क्या दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमको 2 दे रखी है, तो tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, क्या करना है जरा समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए जब हम ये कहते हैं, ऐसे था ना हमारा शुरू में जब कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा और इन टू में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना था, 1 के बराबर। तो अगर हम sec थीटा को m, sec थीटा माइनस tan थीटा को m मान लें, तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये भी तो 1/m हो जाएगा भाई, m को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बटे में हो जाएगा, तो sec थीटा और प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/m नहीं आ जाएगा, है ना, बात समझ में आई। तो अगर माइनस में भी दिया है और इसको प्लस में निकालना है तब भी हमको 1/ में करना पड़ेगा, बात समझ में आई। जैसे हम यहाँ पे अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/2 करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अगर माइनस में दिया है तो प्लस में निकालने के लिए इसको भी 1/ करना पड़ेगा, ठीक है, 1/ में। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, sec थीटा प्लस tan थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है, तो देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा को इसके नीचे लिख लीजिए, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू यानी माइनस वाले का वैल्यू निकालना है, ठीक है, माइनस वाले का। तो माइनस वाले का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर इसमें से इसको, भाई देखिएगा जब ऐसे होता है a प्लस बी इक्वल टू 10 मान लीजिए दिया है और a माइनस b इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको हम a निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, और b निकालने के लिए मतलब माइनस वाले निकालने के लिए प्लस वाले में से माइनस को घटाते हैं, यानी 10 में से 4 को घटाएंगे और फिर 2 से भाग देंगे, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर प्लस वाला भाग हमारा क्या है, ये है sec प्लस tan, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 में से 2 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 में से 2 को घटा दिए और इनटू कितना कर देंगे, 1/2 से, यानी 2 से हमने भाग कर दिया, आधा कर दिया इसको। चलिए तो यहाँ पर 1 - 2 * 4 यानी -3 हो गया और बटे में हो जाएगा 2 और गुड़े 1/2 ये सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये -3 और 2 * 4 आ जाएगा, -3/4 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात समझ में आई। तो ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, ठीक है, फिर चलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्ट बताएं हम आपको, अब हमको क्या चाहिए, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी इस पूरे का वैल्यू निकालने के लिए हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी माइनस वाले भाग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो माइनस वाले भाग का वैल्यू निकालने के लिए यानी tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को घटाकर 2 से भाग देते हैं यानी आधा करते हैं, तो 5 - 1/5 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 5 - 1/5 और 2 से भाग देना मतलब 1/2 का गुणा करना, बस यहाँ पर 5 * 5 = 25, 25 - 1 = 24, 24/5 ये हो जाएगा,
24 बटा 5 और गुड़े ये हो जाएगा 1/2, 2 से ये 12 बार में कट गया, यानी ये सीधा सीधा हमारा 12/5 आ जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 12/5 आ गई। अब इस 12/5 को हमको यहाँ रखना है, रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा tan थीटा यानी 12/5 प्लस 1 और बटे tan थीटा की वैल्यू 12/5 माइनस 1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12 और 5 एक कम 5, 12 5 17, 17/5 और पूरे का बटे हो जाएगा 12 और 5 एक कम 5, 12 में से 5 गया कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो 7/5 यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा 17/7 आ जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 17/7 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/7। ठीक है, तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक ना, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं अपना, तो ये ज़्यादा नहीं 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहाँ पर 4 सवाल हो गए, चलते हैं 5वें सवाल पर। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग सवाल दिया है, cot a plus cos a के इक्वल टू 3 है तथा a न्यून कोण है। ठीक ना, a हमारा क्या है, न्यून कोण है, तब cos a का मान हमको बताना है, cos a का मान। ठीक है, अब ये जो सवाल है हमारा, ये दूसरे आइडेंटिटी पर बेस्ड है ना। पहला आइडेंटिटी हमने क्या बताया था दूसरे वीडियो में जब हम बात किए थे, तो पहला आइडेंटिटी था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी हमने बताया था कल पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा जो आइडेंटिटी होता है हमारा, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो इन दोनों पर आधारित, ये हमारा पहला नंबर, इस पर आधारित सवाल हमने पिछले वीडियो में कराया था और इस पर आधारित सवाल अभी हमने करवा दिया। अब बात करते हैं इस पर आधारित सवाल कैसे होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक सवाल दिख रहा है जो कि तीसरे आइडेंटिटी पर आधारित ये सवाल है। तो पहले इसको हम चीरफाड़ करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट सीख के इस सवाल पर आते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो आइडेंटिटी है हमारा, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, इसी चीज़ को, अब ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पर इनटू में कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला फंडा है ना, तो कॉसेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए, अगर हम इस वैल्यू को m मानते हैं, अगर हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू m दिया है, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 1/m नहीं हो जाएगा भाई, ये m जाके इधर बटे में नहीं हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/m आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, जो अभी यहाँ पर पढ़े हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसका 3 का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आए? ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए दे दिया है, तो आपको इसको पहले सही क्रम में लगाना है,
पहले कॉसेक ए होगा फिर कॉट ए होगा। देखिए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ये दिया है कॉट ए प्लस कॉसेक इक्वल टू थ्री। तो इसको पहले चेंज करिए, कॉसेक ए को पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना कॉसेक ए, और प्लस बाद में होगा हमारा कॉट ए, है ना, कॉट ए इक्वल टू कितना दिया है, तीन दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसी का माइनस वाला वैल्यू निकालना चाहें, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अभी अभी बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना है, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कॉट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉट ए मतलब माइनस वाले पार्ट का निकालना है, तो दोनों को घटा के दो से भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तीन माइनस एक बटा तीन, तीन माइनस एक बटा तीन, और इनटू में एक बटा दो हो जाएगा, यानी दो से भाग। तो तीन त्रिकाई नौ, नौ माइनस एक आठ हुआ, आठ बटे दो हो गया चार, टोटल ये आ गया चार बटा तीन, ठीक है, एक बटे दो को गुणा करने के बाद भी। तो चार बटे तीन आया कॉट ए का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू चार बटे तीन आया। अब एक बात बताइए, इस कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, ये टेन ए का उल्टा होता है, और टेन हमारा होता है क्या, लंब बटा आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा, तो कॉट हमारा यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ पर आधार देखिए कितना है, चार के बराबर है, और लंब हमारा किसके बराबर है, तीन के बराबर। तो आप यहाँ से कर्ण नहीं बता सकते हैं भाई, देखिए लंब हमारा तीन है, आधार हमारा चार है, तो कर्ण हमारा कितना होता है, पाँच होता है। आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ट्रिपलेट आपको बताए भी थे, है ना। या तो नहीं आता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला, पाइथागोरस वाला, ठीक है। कर्ण का वर्ग जो होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो पाँच है, ये क्या है, हमारा कर्ण है, बात समझ में आए, ये हमारा कर्ण है। लंब हमारा कितना है, तीन है, और आधार हमारा चार है, तो कर्ण पाँच हो जाएगा, बात समझ में आए, एक समकोण त्रिभुज के लिए। अब हमसे यहाँ पर कॉस का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए बताइए भैया कितना होता है, कॉस होता है को मतलब साथ वाला, और साथ वाला होता है आधार, तो ऊपर हो गया आधार, अब बटे कर्ण होता है, बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार हमारा बताइए कितना है, आधार है हमारा यहाँ पर चार, और कर्ण है हमने निकाल लिया है पाँच, तो चार बटे पाँच इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, बात समझ में आए। तो थोड़ा सा इसमें और झंझट करना था, क्या झंझट था, कि कॉट ए निकालने के बाद आपको लंब आधार और कर्ण निकाल लेना था, तो यहाँ से सवाल हो जाता, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल है हमारा छठवां नंबर, ठीक ना। छठवां सवाल देखिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, थोड़ा सा अलग हट के दिया है ये सवाल, ठीक है। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बटे एक्स बराबर कॉस थीटा बटे एक्स, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, जबकि हमको ये दे रखा है साइन बटे एक्स बराबर कॉस बटे वाई दिया है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ते फोड़ते हैं यहाँ पर, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और बराबर इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटा वाई, है ना। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप जानते होंगे कि होता है टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा हमारा क्या है, एक्स बटा वाई, है ना। अब बताइए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि नहीं, लंब बटा आधार होता है, है ना। टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार, और ये हो गया एक्स बटा वाई। तो यहाँ से लंब हमारा एक्स है, आधार हमारा वाई है, तो अगर हम यहाँ से कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो लंब हमारा एक्स है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमारा वाई है यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास आ गया यहाँ पर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है एक्स, एक्स बटा कर्ण कितना है, कर्ण है यहाँ पर हमने निकाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाल लिया। फिर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या है वाई है यहाँ पर, ये हो गया वाई बटे अंडर रूट में कर्ण, कर्ण यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। आप देखिए दोनों का हर यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक बार ले लीजिए, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ऊपर वाले घट जाएंगे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं उस सवाल को भी। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न करवा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक ना। जितने भी प्रश्न करवाए हैं इनका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस सवाल को देखिए, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, और आंसर एकदम चुटकियों में आएगा इसका, है ना। देखिए कैसे करना है हमको, यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू बटे sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 5/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या दिया है sec थीटा अब प्लस tan थीटा अब बटे sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू क्या दिया है आपके पास यहाँ पर 5/3 दिया। अब यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है, कैसे लगाते हैं इसको समझिए। देखिए अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी और इसका वैल्यू m/n दिया है, ठीक है। तो अगर हम a बटा बी का वैल्यू निकालना चाहें, a बटा बी है ना, a बटा बी, तो ये हो जाता है m प्लस एन और बटे m माइनस एन, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, देखिए a बटे बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी का वैल्यू अगर m प्लस m बटे एन दिया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर फिर से देख लीजिए, क्या करना है आपको, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। तो m प्लस एन एक बार ऊपर जोड़ दिए और m माइनस एन इसको एक बार घटा दिए, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। देखिए तो a हमारा sec है और b हमारा tan है, देख लीजिए। तो यहाँ से a बटे b यानी sec थीटा अब बटे tan थीटा निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5/3 यानी 8 हो गया, है ना। यहाँ पर ये 5/3 एक बार 8 हो जाएगा ऊपर में, अब बटे 5-3, तो 5-3 2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, sec थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, 1/cos थीटा, क्योंकि cos थीटा को उल्टा होता है हमारा sec थीटा। अच्छा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। इसका वैल्यू 4 दिया है। अब देखिए नीचे यहाँ भी cos थीटा, नीचे यहाँ भी cos थीटा कट गया, 1/sin थीटा आ गया, 1/sin थीटा और इसका वैल्यू 4 आया है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये होगा साइन थीटा, और इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/4 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू ही हमसे पूछ रहा था, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कर लिए आज के वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर जो भी सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।